बच्चों आपके एक्सरसाइज से 3.3, जिसमें कि बाइनोमियल की बाइनोमियल से या फिर किसी बाइनोमियल की ट्राइनोमियल से या किसी ट्राइनोमियल की बाइनोमियल से मल्टीप्लाई है। तो इसमें आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है 5x+3 मल्टीप्लाई 7x+2, यानी कि हमारे पास है एक टर्म दिया हुआ है 5x+3, उसकी मल्टीप्लाई हमें करनी है 7x+2 में। तो देखिए जो तरीका होता है मल्टीप्लाई करने का, तो उसमें यही होता है कि आपके जितने भी टर्म होते हैं, ठीक है, तो उन टर्म से जो हमें दूसरा दिया होता है उसके टर्म से मल्टीप्लाई होता है। जैसे कि इसमें 5x+3 है, इसमें दो टर्म है, एक 5x और एक 3। तो हमें उस 5x की पहले पूरे में करना है, यानी 7x+2 से करना है मल्टीप्लाई, फिर प्लस 3 की 7x+2 से करनी है मल्टीप्लाई। तो देखिए यहाँ पर क्या है, 5x की मल्टीप्लाई कर दी हमने 7x+2 से, फिर प्लस का साइन है देखिए यहाँ पर, तो फिर प्लस का साइन आया है, और 3 की मल्टीप्लाई की है फिर हमने 7x+2 से, ठीक है। 5x की मल्टीप्लाई देखो ब्रैकेट के अंदर जो है उनसे मल्टीप्लाई हो जानी है। 5x और 7x की मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो 7 × 5 = 35 होता है, और x की x से मल्टीप्लाई हो रही है तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। प्लस का साइन है तो प्लस का साइन हमने यहाँ लगाया है। इसी तरह से 5x की मल्टीप्लाई फिर 2 से हो रही है तो 5 × 2 = 10x। फिर जो हमारा है 3, हमें अब 3 से मल्टीप्लाई करनी है अंदर वाले टर्म की, यानी 7x+2 की, तो 7 × 3 = 21x, ठीक है। तो और प्लस का साइन 3 × 2 = 6। अब हमें ये देखना है कि जो टर्म हमारे सेम है, यानी कि जो स्क्वायर वाले हैं अगर वो प्लस माइनस हो रहे हैं तो उनको प्लस माइनस कर लेंगे, और जो एक्स एक्स वाले हैं उनको प्लस माइनस हो रहे हैं तो वो कर लेंगे, और जो नॉर्मल होते हैं जो डिजिट्स की फॉर्म में होते हैं तो उनको हम अलग से कर लेंगे, ठीक है। तो इसमें हमारा क्या है, 10x और प्लस 21x दिया हुआ है जो कि हम प्लस कर सकते हैं, तो उनको हमने प्लस कर दिया है 31x और 6 ऐसे ही। तो ये आपका आंसर आएगा 35x² + 31x + 6। सेम ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन है, इसमें सेम ऐसे ही तीसरा है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो आपको समझ में नहीं आएगा, बहुत इजी एक्सरसाइज है ये। मैं आपको क्वेश्चन नंबर 5 समझा देती हूँ। इसमें है 4a² + 2b² × 3a² + 4b², तो जो हमारा 4a² है, ठीक है, उस 4a² की मल्टीप्लाई पहले 3a² + 4b² में होगी, मतलब पूरे में ही होगी, ठीक है। फिर जो दूसरा टर्म है प्लस 2b², इसकी मल्टीप्लाई फिर पूरे टर्म में होगी, 3a² + 4b² में होगी, ठीक है। तो 4a² की जब हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 × 3 = 12 और a² है, मैंने आपको बताया था कि जहाँ पावर्स होती हैं तो मल्टीप्लाई होती है तो वहाँ पर पावर क्या हो जाती है आपकी, प्लस हो जाती है, है ना, अगर सेम पावर्स होती है। तो जैसे यहाँ पे a² है और अंदर भी 3a के साथ, मतलब 3a² है, तो जो a² और a² है ये पावर आपस में क्या जाएंगी, प्लस हो जाएंगी। तो ये बन गया हमारा 12a⁴ प्लस इस 4 की, इस 4 से हो रही है तो 4 × 4 = 16। अब a² है तो a² ऐसे ही रहेगा क्योंकि अंदर जो है हमारा वो b² दिया है। अगर हमें a² दिया होता तो वो a⁴ बन जाता, लेकिन अंदर b² है तो हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो a है वो b है, तो a² और b², ठीक। फिर इसी तरह से प्लस 2b² की 3a² से जब हम करेंगे तो 3 × 2 = 6 a² और b², फिर 2b² की 4b² से। अब देखिए दोनों सेम है, यहाँ पर भी b² है वहाँ पर भी b² है, तो 4 × 2 = 8 और b⁴। अब जो देखो सेम है वो आप देख लीजिए कौन सा प्लस होना है, क्योंकि देखिए 12a⁴ है, बाकी तो कुछ नहीं है, वहाँ पे b⁴ है, ठीक है। लेकिन हाँ, हमारा ये 16a² + 6a² b², हम इन दोनों को प्लस कर सकते हैं, तो आंसर आएगा आपका 12a⁴ + 8b⁴ + 16 × 6 = 22 a² b² जहाँ हमारा प्लस होता है वहाँ पे पावर्स प्लस नहीं होती हैं, ठीक है, हमारी पावर्स फिर उतनी ही रहती है, सिर्फ मल्टीप्लाई में ही पावर प्लस होती हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो अब बाकी सारे ऐसे ही हैं, इसलिए मैं सिर्फ आपको दो क्वेश्चन समझा रही हूँ, मैं ज़्यादा नहीं समझा रही हूँ क्योंकि सबका पैटर्न सेम ही है, ऐसा कुछ अलग से है नहीं इसमें। अच्छा, एक इसमें ये देख लीजिए आप, क्वेश्चन नंबर 13, उसमें दिया है x² - xy + y² मल्टीप्लाई करनी है हमें किससे, x + y से।
तो देखिए हमें जो तीनों टर्म दिए हैं इसमें एक एक्स स्क्वायर है, पहले उसकी मल्टीप्लाई एक्स प्लस वाई में होगी, फिर माइनस एक्स वाई है उसकी मल्टीप्लाई एक्स प्लस वाई में होगी, फिर प्लस वाई स्क्वायर है उसकी मल्टीप्लाई एक्स प्लस वाई में होगी। यानी कि हमें एक एक टर्म की सब में ही करनी है। तो जब हम एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई एक्स प्लस वाई में करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, और जब एक्स की मल्टीप्लाई हो रही है यानी एक्स के ऊपर हम एक पावर समझ सकते हैं, है ना, तो एक्स की एक्स क्यूब हो जाएगा वो, प्लस एक्स स्क्वायर और वाई में जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो एक्स स्क्वायर वाई हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से हम वाई की जब मल इसी तरह से हम एक्स वाई की करेंगे तो माइनस का एक्स वाई है, तो जब माइनस का एक्स वाई अंदर एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो वो हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर वाई, क्योंकि अंदर एक्स के साथ कोई वाई वाला टर्म नहीं है। ठीक है, अब देखिए माइनस है और अंदर क्या है, प्लस का वाई है, तो आपको पता है माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस होता है, इसलिए यहाँ पर माइनस का साइन आया है, और एक्स वाई की मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई वाई से होगी तो एक्स वाई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से प्लस वाई स्क्वायर की एक्स प्लस वाई से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर, तो वाई स्क्वायर एक्स प्लस है तो प्लस का ही साइन आना है, और बाहर वाई स्क्वायर है और अंदर भी क्या है, प्लस वाई है, तो वाई क्यूब आ जाएगा, प्लस वाई क्यूब। ठीक है, अब देखिए इसमें एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई में जो प्लस माइनस हो रहा है वो देख लेते हैं। इसमें देखो अगर सेम ही होता है, जैसे कि यहाँ पे दिया है प्लस एक्स स्क्वायर वाई और दिया है माइनस एक्स स्क्वायर वाई, जो कि हमारा कैलकुलेशन करके आया है। ठीक है, दोनों सेम है लेकिन क्या डिफरेंस है, डिफरेंस ये है कि एक हमारा पॉजिटिव है और एक हमारा नेगेटिव है, तो जहाँ पर अपोजिट साइंस होते हैं और सेम टर्म होता है तो वहाँ पर वो दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाता है। यानी प्लस एक्स स्क्वायर वाई से माइनस एक्स स्क्वायर वाई क्या है, अगर हम माइनस भी करेंगे तब भी जीरो ही आना है, कट 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 जाएगा वो। ठीक है, तो ये क्या होता है, आपस में कैंसिल हो जाता है, और जो माइनस एक्स वाई स्क्वायर है वो और प्लस एक्स वाई स्क्वायर है वो भी कैंसिल हो जाएंगे, एक दूसरे से कट जाएंगे। ठीक है, तो हमारा जो आंसर आएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब आएगा। ठीक है, तो अभी आपके लिए यही है, और अगर आपको इसमें से कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो आप मुझसे पूछ लेना, वैसे पैटर्न सबका सेम है, दो तीन क्वेश्चन समझाने से मेरे ख्याल से समझ में आ जाना चाहिए अच्छे से। अगर नहीं आता है तो आप फिर भी आप व्हाट्सअप करके मुझसे पूछ सकते हैं।